हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ब्रो का चैनल ब्लॉगर सत्यम गुप्ता। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक काफी अच्छा खुशखबरी लेकर आया हूँ स्प्लेंडर लवर्स के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी BS6 मॉडल में स्प्लेंडर प्लस को लेने का सोच रहे थे और अगर आपको इसका ग्राफिक्स जो पहले आ रहा था वो आपको पसंद नहीं आ रहा था, तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज और बाइक अपडेट्स मिस ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हीरो ने रिसेंटली एक कंपटीशन करवाया था, हीरो डिजाइन चैलेंज। फ्रेंड्स, जिसमें कि हीरो ने दो चैलेंज रखे थे। पहला जो चैलेंज था उसमें था डिजाइन अ ग्राफिक्स फॉर हीरो स्प्लेंडर प्लस, और दूसरा जो चैलेंज था जिसमें कि आपको राइडिंग जैकेट या एक टी शर्ट डिजाइन करना था हीरो एक्सपल्स को लेकर। तो फ्रेंड्स, उसका भी मैंने वीडियो बनाया था, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं उसमें विनिंग प्राइस क्या था। फ्रेंड्स, उसमें जो विनिंग प्राइस था वो था हीरो एक्सपल्स 200। तो फ्रेंड्स, वो चैलेंज को जो भी विन करता दोनों चैलेंजेस को, उसको एक्सपल्स 200 मिलने वाला था। तो फ्रेंड्स, फाइनली वो कंपटीशन ओवर हो गया है और उसका जो रिजल्ट था उसे भी कंपनी ने अनाउंस कर दिया है। और फ्रेंड्स, आपको बताना चाहते हैं कि इसमें लगभग 10,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स ने रजिस्टर किया था। तो फ्रेंड्स, फाइनली कंपनी ने इसका रिजल्ट अनाउंस कर दिया, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उसे चेक कर सकते हैं। तो बात करते हैं फ्रेंड्स, इससे कस्टमर को बेनिफिट क्या देखने को मिला। तो इसे बेनिफिट आपको ये देखने को मिलेगा कि अब जो BS6 मॉडल में आपको स्प्लेंडर प्लस जो आएगी वो आपको फ्रेंड्स अब न्यू ग्राफिक्स में देखने को मिलेगी, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो डिज़ाइन है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा होगा। इसका जो लुक है फ्रेंड्स, बात करते हैं इसका लुक का, तो फ्रेंड्स इसमें आपको रेड पिंक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, जो कि मतलब देखा जाए तो काफ़ी अच्छा आपके लिए ग्राफिक्स रहने वाला है। इसका जो सामने का जो पैनल है उसका भी ग्राफिक्स को चेंज कर दिया गया, और इसका जो साइड पैनल से टैंक में सब में आपको सेम ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा फ्रेंड्स लुक दे रहा है और काफ़ी एक फ्रेश लुक देने वाला है स्प्लेंडर को। तो फ्रेंड्स, पर्सनली तो मुझे काफ़ी अच्छा इसका जो न्यू ग्राफिक्स है वो लगा। और फ्रेंड्स, बात करते हैं टी शर्ट की डिज़ाइन की, तो टी शर्ट का भी आप डिज़ाइन देख सकते हैं, ये भी फ्रेंड्स सिंपल में काफ़ी अच्छा टी शर्ट डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें फ्रेंड्स दो विनर्स हुए हैं, दोनों को ही कंपनी ने प्राइज हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से प्राइज मिला है, और ये काफ़ी अच्छा आपके लिए फ्रेंड्स अब ऑप्शन रहने वाला है। BS6 मॉडल में ग्राफिक्स को फुली चेंज कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप भी कमेंट्स में बताएं कि आपको इसका न्यू ग्राफिक्स कैसा लगा, क्योंकि आप लोगों का काफ़ी सारा कमेंट्स आता था फ्रेंड्स BS6 वाले स्प्लेंडर को लेकर कि उसका जो ग्राफिक्स है वो उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है। तो फाइनली ये काफ़ी अच्छा आपके लिए खुशखबरी रहने वाला है कि अब जो न्यू स्प्लेंडर अब जो आने वाला है मार्केट्स में, उसमें आपको ये ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा इस बाइक के बारे में फुल डिटेल्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी ऐसी बाइक अपडेट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस ना हो जाए। और फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टा आईडी है ब्लॉगर सत्यम गुप्ता, और आप वहाँ पर मुझे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।